बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। एक जवान बेवा औरत का तड़पा देने वाला वाकिया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है। आपकी एक शगिर्दा जो बकायदा आपका दर्स सुनने आया करती थी, नहायत इबादत गुजार थी। उस बेचारी का जवानी में खावंद चल बसा। उसने दिल में सोचा, एक बेटा है, अगर मैं दूसरा निकाह कर लूँगी तो मुझे दूसरा खावन तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। अब वो बच्चा जवानी के करीब था। चलो, उसने सोचा, यही मेरा सहारा ही सही। लिहाजा उस अजीम माँ ने यही सोचकर अपने जज्बात की कुर्बानी दी। बेवा औरत घर में बच्चे का पूरा ख्याल रखती, लेकिन जब वो बच्चा घर से बाहर निकल जाता तो माँ से निगरानी ना हो पाती। अब उस बच्चे के पास माल की कमी न थी, उठती हुई जवानी भी थी। ये जवानी दीवानी मस्तानी हो जाती है। चनाचो बच्चा बुरी सुहबत में गिरफ्तार हो गया, शबाब और शराब के कामों में मसरूफ हो गया। माँ बराबर समझाती, लेकिन बच्चे पर कुछ असर ना होता, चिकना घड़ा बन गया। वो उसको हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास लेकर आई। हजरत भी उसको कई कई घंटे समझाते, लेकिन उस बच्चे का नेकी की तरफ रुझान ही नहीं था। हजरत के दिल में भी ये बात आई कि शायद इसका दिल पत्थर बन गया है, मोहर लग गई है। बहरहाल माँ तो माँ होती है। माँ उसे प्यार से समझाती रही, मेरे बेटे नेक बन जाओ, तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कई साल बुरे कामों में लगकर उसने अपनी दौलत के साथ अपनी सेहत भी तबाह कर ली और उसके जिस्म में ला इलाज बीमारियां पैदा हो गई। नाजरीन, मामला यहां तक आ पहुंचा कि उठने की भी सक्कत ना रही, बिस्तर पर पड़ गया। अब उसको आखिरत का सफर सामने नजर आने लगा। माँ ने फिर समझाया, बेटा तूने अपनी जिंदगी तो खराब कर ली, अब आखिरत बना ले और तौबा कर ले। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर देगा। जब माँ ने समझाया, उसके दिल पर कुछ असर हुआ। कहने लगा, माँ मैं कैसे तौबा करूं, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए हैं। माँ ने कहा, बेटा हजरत से पूछ लेती हैं। बेटे ने कहा, माँ अगर मैं फौत हो जाऊं तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी रहमतुल्ला अलैह पढ़ाएं। माँ हजरत के पास गई। हजरत खाने से फारिग हुए थे और थके हुए थे और साथ दर्स भी देना था, इसीलिए के अलूला के लिए लेटना चाहते थे। माँ ने दरवाज़ा खटखटाया, पूछा कौन। अर्ज़ किया, हजरत मैं आपकी शगिर्दा हूँ, मेरा बच्चा अब आखिरी हालत में है, वो तौबा करना चाहता है, लिहाजा आप घर तशरीफ़ ले चलें। हजरत ने सोचा, ये फिर धोखा दे रही है और मेरा वक्त ज़ाया करेगी और अपना भी करेगी। सालों गुजर गए, अब तक तो कोई बात असर न कर सकी, अब क्या करेगी। कहने लगे, मैं अपना वक्त ज़ाया क्यों करूं, मैं नहीं आना चाहता। माँ ने कहा, हजरत उसने तो ये भी कहा कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा हजरत हसन बसरी रहमतुल्ला अलैह पढ़ाएं। हजरत ने कहा, मैं उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाऊँगा, उसने तो कभी नमाज ही नहीं पढ़ी। अब वो शगिर्दा बेवा औरत थी, चुप कर गई, रोती हुई घर आ गई। बेटे ने पूछा, क्या हुआ माँ। माँ ने कहा, एक तरफ तेरी हालत, दूसरी तरफ हजरत ने इनकार कर दिया। अब ये बात बच्चे ने सुनी तो उसके दिल पर चोट लगी और कहा, माँ मेरी एक वसीयत सुन लीजिए। माँ ने पूछा, बेटा वो क्या। कहा, माँ मेरी वसीयत ये है कि जब मेरी जान निकल जाए तो सबसे पहले अपना दुपट्टा मेरे गले में डालना, मेरी लाश को कुत्तों की तरह सहन में घसीटना, जिस तरह मरे हुए कुत्ते की लाश घसीटी जाती है। बेवा औरत ने पूछा, बेटा वो क्यों। कहा, अम्मी इसलिए कि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जो अपने रब का नाफरमान और माँ बाप का नाफरमान होता है उसका अंजाम यही हुआ करता है। मेरी प्यारी माँ मुझे कब्रिस्तान में दफन न करना। माँ ने कहा, वो क्यों। कहा, माँ मुझे इसी सहन में दफन कर देना,
ऐसा ना हो कि मेरे गुनाहों की वजह से कब्रिस्तान के मुर्दों को तकलीफ पहुंचे। जिस वक्त नौजवान ने टूटे दिल से आजजी की ये बात कही तो परवरदिगार को उसकी ये बात अच्छी लगी। रूह कब्ज हो गई, अभी रूह निकली ही थी, माँ आंखें बंद कर ही रही थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। पूछा कौन, जवाब आया हजरत हसन बसरी हूँ। कहा हजरत आप कैसे, फरमाया जब मैंने तुम्हें जवाब दे दिया और सो गया, ख्वाब में अल्लाह रब्बल इज्जत का दीदार नसीब हुआ। परवरदिगार ने फरमाया हसन तू मेरा कैसा वली है, मेरे एक वली का जनाजा पढ़ने से इनकार करता है। मैं समझ गया कि अल्लाह ने तेरे बेटे की तौबा कबूल कर ली है, तेरे बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए हसन बसरी खड़ा है। ए अल्लाह तू कितना करीम है कि मरने से चंद लम्हे पहले अगर कोई बंदा शर्मिंदा होता है तो उसकी जिंदगी के गुनाहों को भी तू माफ कर देता है।